हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ और वो टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच, जिनको आप पोएटिक डिवाइसेस भी कहते हैं, फिगुरेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं और भी कई नाम से इसे जानते हैं। तो इंग्लिश में जो 5 या 6 बेसिक फिगर्स ऑफ स्पीच है आज उसकी बात करेंगे, फिर किसी दूसरे वीडियो में और जो एडवांस लेवल की है उसकी बात करेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच को फिगर्स ऑफ स्पीच क्यों कहा जाता है सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है जानना, या इनको पोएटिक डिवाइसेस क्यों कहते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच यानी स्पीच को जो हमारी फिगुरेटिव बना देती हैं, जो थोड़ी डेकोरेटिव बना देती हैं, जो थोड़ा सा स्टाइल दे देती है पोएट्री में खास तौर से, या जो पोएटिक डिवाइसेस जिनको हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि पोएट्री को और अच्छा बना देती हैं, कुछ उसमें ऐसे एक्सप्रेशंस दे देती हैं जिससे हम वाह वाह कर उठते हैं, तो दिस इज फिगर्स ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस। तो सबसे पहले पोएटिक डिवाइस आज का सिमली। सिमली मैं देखिए डेफिनेशन आपको इंग्लिश में रखूंगा यहाँ सारी आपके सामने, और हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इनको, और एग्जांपल्स जो है वो भी मैं आपको बहुत सारे ऐसे दूंगा जो यहाँ नहीं है। तो सिमली एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है इन विच टू थिंग्स टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड टुगेदर, जो यूजुअली अनकंपेयरेबल होते हैं या सिमिलर नहीं होते हैं, उनको हम सिमिलर करने की कोशिश करते हैं, और इसमें जो वर्ड्स हैं वो हमें कंपैरिजन करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है एज, लाइक, सच एज, ये सब ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बाकी एग्जांपल मैं यहाँ आपके लिए रख रहा हूँ आपकी टेक्स्ट बुक से ही ज़्यादातर, जैसे कि शी इज़ एज ब्यूटिफुल एज द रोज़, तो यहाँ एज का हमने यूज़ किया, आप समझ गए होंगे इसका मीनिंग क्या है। हर फेस इज़ वॉज लाइक, हर फेस वॉज पेल लाइक एशन मून, या हर फेस वॉज एशन लाइक पेल मून। तो ये दोनों सिमलीज जो है कंपेयर कर रही हैं दो चीज़ों को, जहाँ एक जगह उसकी ब्यूटी को रोज से कंपेयर किया, दूसरी जगह हमने फेस को, मदर के फेस को ऐसा पीला जैसे कि चांद होता है। तो ये हुई सिमली। नेक्स्ट कम मेटाफर, या मेटाफर आर थोड़ा सॉफ्ट है लास्ट वाला, मेटाफर इसको बोलते हैं। मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है दो डिससिमिलर ऑब्जेक्ट का अपेरेंटली जो होते हैं, लेकिन यहाँ पर सच एज या लाइक इन वर्ड्स का एज का हम यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। तो अभी हमने कहा था शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज द रोज, अब हम कहेंगे शी इज़ द रोज, हर फेस इज लाइक, हर फेस इज मून। तो यहाँ पर हम बजाय इसके ये कहने के कि वो ऐसा है, हम कहते हैं वो वही है, वो एक गुलाब है हमारे देश का। तो इस तरह से जब हम बिना जैसा ये सच एज वर्ड यूज किए हुए हम कर दे, तो दैट इज मेटाफर, और एग्जांपल्स आपके सामने यहां आ जाएंगे। नेक्स्ट इज हाइपरबोल भी कहते हैं कई बार लोग इसको, हाइपरबली इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। व्हेन थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड और डिस्क्राइब्ड आइदर ग्रेटर और स्मॉलर, बहुत बड़ा चढ़ा के या बहुत कम करके, बहुत ज्यादा किसी चीज को डेंजरस बता के हम जब कहने लगे पोएट्री में, तो वो हाइपरबली होता है। शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, वो इतना रोई कि आंसू भर गए समुद्रों से, समुद्र भर गए आंसुओं से, ऐसा जब एक्सप्रेशंस देना चाहते हैं तो हाइपरबली होता है, अतिशयोक्ति कहते हैं इसको, बहुत बड़ा चढ़ाकर बातों को कहा जाता है। एक जगह वर्ड्सवर्थ ने यूज किया इसको, 10,100 आई एट ए ग्लांस, एक ही नजर में 10,000 देख लिए फ्लावर्स, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम कहते हैं हाइपरबली। नेक्स्ट आता है पर्सोनिफिकेशन, अब इसके नाम से ही लगता है पर्सोनिफिकेशन, व्हेन अनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, दे आर ट्रीटेड लाइक लिविंग ऑब्जेक्ट्स, जब हम उनको बिल्कुल लिविंग मान लें, जैसे एक हम कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मून ले सकते हैं, अब मून एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है और हम उसको मान लें एक लिविंग ऑब्जेक्ट, और उसको हम ऐसी कोई क्वालिटी दे दें जो लिविंग ऑब्जेक्ट ही होती है, जैसे हम कहें द मून वॉज ब्रीदिंग वेरी साइलेंटली, तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन, पर्सन की क्वालिटी। और यूजुअली पोएट्री में, हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट यूजुअली पोएट्री में जिस वर्ड को पर्सोनिफाई करते हैं उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो अक्सर हम उसको इस तरह से पहचान सकते हैं। बाकी एग्जाम्पल्स ये रहे आपकी टेक्स्ट बुक से। एंड देन कम्स एलिट्रेशन। एलिट्रेशन काफ़ी फेमस एक फिगर ऑफ स्पीच है, जिसको हिंदी में शायद अनुप्रास अलंकार कहते हैं, जहाँ पर किसी लेटर की या किसी लेटर की साउंड की, एक जैसी साउंड की,
हम रिपीटेशन देते हैं दो या दो से ज्यादा बार, कई बार वो बिल्कुल क्लोज रखे हुए होते हैं और कई बार थोड़ा दूर दूर भी हो सकते हैं, मतलब एक के बाद एक भी हो सकते हैं। जैसे ब्यूटीफुल बैटी, ब्यूटीफुल बैटी जो है वो दोनों एक साथ रखे हुए हैं, ब्यूटीफुल एंड बैटी ये भी हो सकता है, ब्यूटीफुल फ्रेंड एंड बैटी ये भी हो सकता है, आई सॉ सम सिटी बर्ड्स फ्लटरिंग देयर फ्लैप्स इन अ फ्लॉक, यहाँ पर एफ की तीन साउंड एक साथ आती हैं, तो इसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। इसके एग्जाम्पल्स और आपके सामने ये रहे। तो आज का ये छोटा सा वीडियो सिर्फ आपको यही फिगर्स ऑफ स्पीच बताने के लिए था। दूसरे वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें और एडवांस्ड और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, ये एक क्विक रिविजन था। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वही सब्सक्राइब लाइक शेयर तो जैसे हम हमेशा कहते हैं, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ डेफिनेशंस भी दे दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।